तो इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इन लास्ट मुझे पता है आप लोग भूल जाओगे और बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाओगे। और उसके बाद में आप जिस भी डिवाइस पर इस वीडियो को देख रहे हो उसको फुल स्क्रीन मोड पर स्विच कर लेना, आपको मेरी स्क्रीन से देखने लग जाएगी। बाकी हम किस वीडियो पर वर्क करने वाले हैं और किस इफेक्ट के ऊपर वर्क करने वाले हैं वो तो आपने देख ही लिया होगा। हमारी ये वीडियो बेस्ड होने वाली है 777 की लास्ट मॉन्टाज वीडियो द वीकेंड हिल्स के ऊपर, और आपको डिसाइड कर लेना आपको किन क्लिप्स का यूज करना है, उनको पहले आपको स्लो मोशन में कन्वर्ट कर लेना है। मैं आपको फॉर एग्जांपल देने के लिए मैंने एक क्लिप को स्लो मोशन में कन्वर्ट कर लिया है जो कि शायद 2 से 3 सेकंड की है, और हम उसी का यूज करेंगे। और डेफिनेटली हम जो सॉन्ग का यूज करेंगे वो द वीकेंड हिल्स होगा, तो मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है वो 777 की वीडियो से, उसी का हम यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपने उस क्लिप को इंपोर्ट कर लेंगे अपने इस अलाइड मोशन में, और उसके बाद में एक हम मार्क लगाएंगे। आपको कई सारे मार्क्स लगा लेने हैं अलग अलग, आप जहाँ जहाँ पर ये इफेक्ट ऐड करना चाहते हो। और मैं क्या करता हूँ, आपको एक ही क्लिप के ऊपर वो इफेक्ट ऐड करके दिखाऊंगा। सो मैं एक मार्क लगा लेता हूँ जहाँ पे मेरी ये बीट आ रही है। तो मैं सबसे पहले इस सॉन्ग को प्ले करूँगा, और उसके बाद में ये मार्क वाला जो हमारा जो आइकन है एकदम ही राइट साइड में, मैं उसके ऊपर टैप करूँगा जहाँ पे मेरी बीट आएगी और मेरा मार्क लग जाएगा। सो देखते हैं, ये देखिए जो मेरी बीट आ रही है वो कुछ इस पॉइंट पे आ रही है, तो यहाँ पर मैंने एक मार्क लगा दिया है। और जहाँ पे मैंने मार्क लगाया उसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग में आके मैं इस क्लिप को लेफ्ट साइड से ट्रिम कर दूंगा, और उसके बाद में मैं इस मार्क के ऊपर आऊँगा और जाऊँगा इस क्लिप के मूवमेंट ट्रांसफॉर्म के अंदर, उसके अंदर रोटेशन के अंदर जाके मैं इसको 3 डिग्री तक रोटेट कर दूंगा। और उसके बाद में यहाँ पर मैं एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा, उसी के जस्ट नीचे मुझे एक मिलेगा टूल जो कि होगा हमारा स्केल वाला, उसके अंदर जाऊँगा, पता नहीं टूल है आइकन है आप जो भी समझो, उसके अंदर जाके मैं एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा, सॉरी। तो इसके अंदर भी मैं एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा, और उसके बाद मैं आऊँगा इस क्लिप की स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में आके जाऊँगा रोटेशन के अंदर और इसको मैं रोटेट कर दूंगा अराउंड 35 डिग्री तक। और उसके बाद मैं नीचे स्केल वाली आइकन के ऊपर आऊँगा, उसके बाद इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा अराउंड 5000+ तक, ताकि हमारे जो बाहर के जो ब्लैक पार्ट हैं वो दिखना बंद हो जाए। और उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, ये कुछ ऐसा वाला। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की फ्रेंड्स के मिडिल में आएंगे और जाएंगे इस ग्राफ के अंदर, और ये 4 ऑप्शन हमें दिखेंगे, सबसे नीचे वाला ग्राफ हम चूज़ कर लेंगे, वही काम हम करेंगे रोटेशन के अंदर। दोनों की फ्रेम्स के मिडिल में आके ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है पता नहीं कहाँ पे, और उसके बाद में आएंगे सबसे नीचे इस फोर्थ वाले ग्राफ एडिटर के अंदर आके फोर्थ वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा फास्ट ट्रांजिशन होगा, मिडिल में थोड़ा सा स्लो और लास्ट में थोड़ा सा फास्ट, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और इसके बाद में ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आएंगे हम इस क्लिप की लास्ट में, और जहाँ से बीट हमारी ख़त्म हो रही है तो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और उसके बाद में फिर से जाऊँगा मूवमेंट ट्रांसफॉर्म के अंदर और रोटेशन के अंदर जाके मैं यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर दूँगा, और वही काम मैं करूँगा नीचे स्केल वाले के एग्जैक्ट दोनों एक के ऊपर एक की फ्रेम होने चाहिए। स्केल के अंदर जाऊँगा ये इसमें भी एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा, और आऊँगा थोड़ा सा इस क्लिप की लास्ट में जहाँ से मेरी बीट खत्म हो रही है, तो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, इस पॉइंट पे आऊँगा मूवमेंट ट्रांसफॉर्म के अंदर जाऊँगा, उसके बाद में इस पॉइंट में फिर से इसको 35 डिग्री तक रोटेट कर दूँगा, और स्केल के अंदर आके फिर से मैं इसको उतना इंक्रीज कर दूँगा 5000+ तक कुछ इतना। और उसके बाद में वही हम ग्राफ ऐड कर देते हैं मिडिल में आके फोर्थ वाला, वही रोटेशन के अंदर भी ग्राफ ऐड कर देते हैं और ये फोर्थ वाला। उसके बाद में मगर प्ले करके दिखाऊँ, हो सकता है प्ले हो जाए, नहीं तो हो सकता है लैग ही करे। ये देखिए ये कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है, ये देखिए, और स्टार्टिंग में ये देखिए ऐसा इफेक्ट आ रहा है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे बार्स को, बार्स जो कि HD बार्स होंगे ब्लैक कलर के, तो उसके लिए मैं आपको एक PNG दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दे दूंगा, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो वो होगी कुछ मेरी यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ व्यू वाले के अंदर, फोटोशॉप CC के अंदर है तो मैं फोल्डर से ही उसको ऐड कर लेता हूँ। ये रही, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये कुछ ब्लैक कलर के बार्स हैं। उसके बाद में हमें की फ्रेम्स देख लेते हैं, देख लेने हैं हमारे कौन से की फ्रेम्स कहाँ पे हैं। तो सॉरी, ये स्टार्टिंग में ये मेरा फर्स्ट की फ्रेम है, तो इस पॉइंट में आऊँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा मूवमेंट ट्रांसफॉर्म के अंदर, इसकी स्केल के अंदर जाऊँगा और एक की फ्रेम ऐड करूँगा स्टार्टिंग में, और जो स्टार्टिंग में हमारा इसका जो साइज़ होगा उसको स्केल में एकदम ही हाई कर दूँगा ताकि हमारी स्क्रीन से गायब हो जाए। और आऊँगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में जहाँ पे मतलब अपने मार्क के ऊपर जहाँ पे हमारे पूरी क्लिप वापस आ रही है, फुल स्क्रीन हो रही है, वहाँ पे आके मैं इसको डिक्रीज करूँगा अराउंड 3000 तक। तो आपको देख लेना है कि आप कितना डिक्रीज कर रहे हो, तो मैं इसको रख रहा हूँ अराउंड 3000 तक।
और उसके बाद में ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, ये देखिए। इसके भी मिडिल में आके हम एक ग्राफ ऐड कर देंगे फोर्थ वाला, उसके बाद में बैक जाके ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, ऐसा वाला। उसके बाद में लास्ट में आऊँगा, उसी तरह से हम इसे फेड आउट बोल रहा हूँ। लास्ट में हमें इसका एंड भी करना है, तो ये कुछ लास्ट में जो हमारी एंड हो रही है इसकी, इसका साइज़ हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा कुछ ऐसे। और उसके बाद में ये हमारा हो सकता है स्टार्टिंग से जो की फ्रेम था, ये की फ्रेम तो सही है। और लास्ट में आके जो हमें देख लेने लास्ट में हमारे वो कहाँ पे की फ्रेम्स, अगर आप लोग ध्यान से देखो मूवमेंट ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके, तो ये फर्स्ट मार्क हमारा यहाँ पर है, मतलब फर्स्ट की फ्रेम यहाँ पर है, तो यहीं पर हमें रहना है। और इसी पॉइंट पर जाके अपने इस बार ब्लैक बार्स वाले के अंदर जाके और स्केल के अंदर जाके की फ्रेम ऐड करना है। और थोड़ा सा आगे सेकंड वाला जो मार्क था हमारा, देख लेता हूँ कहाँ पे है, तो वो यहाँ पर है। तो इस पॉइंट पे आके फिर से मूवमेंट ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके इसको हमें इंक्रीज कर देना है, पूरे स्क्रीन से गायब हो जाए उस पॉइंट तक। उसको हमें मिडिल में आके उसके बाद में मिडिल में आके हमें ग्राफ ऐड कर देना है। मूवमेंट ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके ग्राफ के अंदर जाके मैं फोर्थ वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। तो अभी इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया, अभी थोड़ा सा काम हमारा और बचा हुआ है फर्स्ट वाले के पास में, फर्स्ट और लास्ट में जो कि होगा ना फेड इन फेड आउट वाला। तो हमें ओपेसिटी पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर हमें जाना है, और इस पॉइंट पे हमें 100 ओपेसिटी चाहिए, और स्टार्टिंग में हमें एकदम ही जीरो कर देनी है। ये कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, ये देखिए। वही काम हम करेंगे लास्ट में, और इसके भी बीच में हम एक ग्राफ ऐड कर देंगे फोर्थ वाला। उसके बाद में बैक आके लास्ट में भी हम वही कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमारी 100 रहेगी, और थोड़ा सा आगे आके इस पॉइंट पे 100 रहेगी, और इस वाले पॉइंट पे जहाँ से हमारा एंड हो रहा है एकदम ही जीरो हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, और इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। और यही काम आप जितनी भी क्लिप्स ऐड करना चाहते हो और जितनी भी बीट्स अब आपकी आ रही हैं आप बारी बारी से ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, और आपको इसी ट्यूटोरियल में मैं बता देता हूँ कि मैंने अपना कलर करेक्शन कैसे किया है। इसको जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और फिर से अपने इस अलाइट मोशन में इसको हम ऐड करते हैं। इसको जल्दी से मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, तो ये तो बहुत ही फास्ट कर रहा है, तो वेट ही कर लेते हैं, स्किप नहीं करता हूँ मैं। तो ये जल्दी से एक्सपोर्ट हो जाए, सो एक्सपोर्ट हो गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और उसके बाद में क्लोज करके बैग आके एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, और उसके बाद प्लस का आइकन पे जाके मैं उसी वीडियो को फिर से इंपोर्ट कर लूँगा। सो मैं देख लेता हूँ अलाइट मोशन के अंदर, ये रही, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये कुछ ये देखिए ऐसी क्लिप हमारी। अब इसका कलर करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले, तो जो कि हम हमेशा ही करते हैं, और ऊपर वाली को अभी के लिए हाइड कर देंगे। अब नीचे वाली लेयर पे आके ऐड इफेक्ट पे जाके हम ऐड करेंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को। ब्राइटनेस अराउंड -5 डिग्री तक डिक्रीज कर देंगे, और कॉन्ट्रास्ट को अराउंड 25% तक, -5% तक डिक्रीज कर देंगे, और कॉन्ट्रास्ट को +25% तक इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद में हमें ऊपर वाली लेयर बनाना है, इसको विजिबल कर देना है, और जाना है इफेक्ट्स के अंदर, ऐड इफेक्ट के अंदर, और ऐड करना है कलर एंड लाइट से सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाला आपको एक दिखेगा, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद में सेचुरेशन को हमें इंक्रीज कर देना है एकदम ही मैक्स। उसके बाद में फिर से जाना है इफेक्ट्स के अंदर, और ऐड करना है हमें एक्सपोजर एंड गामा। तो एक्सपोजर एंड गामा को हमें ऐड कर लेना है, उसको हमें एक्सपोजर को एकदम ही मैक्स कर देना है, और गामा को अराउंड हमें रखना है अराउंड 400 तक, तो इसको मैं 400 पूरा ही रख देता हूँ। और ऑफसेट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ अराउंड 0.08% तक। उसके बाद में इस पर भी हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वाला इफेक्ट, तो ये रहा। उसके बाद में इसकी ब्राइटनेस हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, ब्राइटनेस में हम कुछ भी नहीं करेंगे, कॉन्ट्रास्ट में इंक्रीज कर देना अराउंड 65% तक, 65% तक इंक्रीज कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर, और ऐड करेंगे ब्लर। सो ब्लर के अंदर जाके गॉसन ब्लर ऐड कर देंगे, और उसके बाद में इसकी स्ट्रेंथ रखेंगे अराउंड 250 डिग्री तक, डिग्री बोल देता हूँ यार, 0.250% तक। उसके बाद में जाएंगे फिर से हम इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे, और लाइटन के अंदर जाके उसको हम कर देंगे लीनियर डॉज। ये कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। उसको हम इसकी ओपेसिटी में 80 डिग्री के आसपास रखूँगा, और उसके हमें इफेक्ट्स के अंदर जाके जो हमारा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट है इसको मैं गॉसियन ब्लर के नीचे कर दूंगा,
देखो कुछ थोड़ा सा आप लोग देखो देखो कि थोड़ा सा इफेक्ट आया है, देखिए थोड़ा सा हमारा फक आ रहा है थोड़ा सा, जैसे क्या होगा तो जो हमारे डार्क पार्ट्स होंगे थोड़ा सा डार्क हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर आपको ये ग्लो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करके देख सकते हो। सो मैं इसके ऊपर जाके और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, तो अराउंड कर देता हूँ मैं इसको 70% तक। इसके बाद में आपको मेरा थोड़ा सा, मेरे वाली जो क्लिप थी स्टार्टिंग में उसमें आपको थोड़ा सा फ्लिकर देखने को मिलेगा, तो आपको इफेक्ट्स के अंदर जाके ऐड इफेक्ट के अंदर जाके और उसके बाद में इधर ओपेसिटी एंड विजिबिलिटी के अंदर आपको नीचे फ्लिकर वाला एक इफेक्ट दिखेगा, आपको इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद में स्पीड को आपको एकदम ही मैक्स कर देना है और ये फ्रिक्वेंसी को भी एकदम ही मैक्स कर देनी है। जस्ट आपको इसकी जो स्ट्रेंथ रखनी है वो अराउंड 0.010 देख लेता हूँ, हाँ 0.10% तक की रखनी है। और उसके बाद में कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, देखिए थोड़ा सा फ्लिकर वाला भी इफेक्ट आ जाएगा और उसके बाद में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप अपनी मोंटाज वीडियोस में इस इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। बाकी आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँ वो किस इफेक्ट के ऊपर हो। और अगर आप इसी वीकेंड हिल्स की कोई दूसरी इफेक्ट के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर बना दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना कि हाँ आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, और जो जो भी ये मतलब कि कमेंट करेंगे मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम मैं मेंशन करूँ अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी ट्यूटोरियल वाली, और हो सकता है मैं शॉर्ट आउट भी दे दूँ अपनी उस वीडियो में। बाकी मैं जल्दी से मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।